आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोब पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस डीरेल हो गई है, ये कोई नई बात नहीं है। दोस्तों, महुआ मोहित्रा की बात यहां पे मैं दोहराना चाहूंगा, उन्होंने कहा था कि जितना हम पैसा बुलेट ट्रेन में खर्च कर रहे हैं उतने ही पैसे में कवच सिस्टम आ जाएगा, और ये बात सच भी है, कवच लगाया जाना चाहिए। रेलवे में कल ही मैंने कंचनजंगा के बारे में आपको बताया था कि रिपोर्ट में, सीआरएस रिपोर्ट में ये बोला है कि एक्सीडेंट होना ही था, वेटिंग है। मैं अभी एक रिपोर्ट सुन रहा था तो उसमें यही बताया था कि रेलवे अपनी गलती मानता ही नहीं है। भाई, एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको, अगर आप बीमार हो तो आप एक्सेप्ट करोगे ना कि हाँ मैं बीमार हूँ। रेलवे कहता कोई बीमारी नहीं, भागो यहाँ से। बस ब्लेम जो है एक दूसरे के ऊपर डालना है। अरे, जनता तुमको पैसा दे रही है और जनता जो है उसकी जान खतरे में है, लापरवाही कैसे चलेगी? लोको पायलट्स जो हैं, इतनी उमस है हम काम नहीं कर सकते, इतनी गर्मी है, लोको पायलट्स कैसे, वो लोहे के वो इंजन इतना गर्म होता है उसमें कैसे वो 17-18 घंटे तक काम कर ले? एसी नहीं है, कोई नहीं, बहुत हालत ख़राब है। रेलवे की हालत बहुत अच्छी नहीं है, वो चल रही है बस भगवान भरोसे। ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि एक्सीडेंट कम हुए हैं, नो डाउट एक्सीडेंट में कमी आई है और रेलवे अपनी सर्विसेज भी इम्प्रूव कर रहा है, लेकिन अगर ज़रा सी भी एक्सीडेंट हो रहा है ना, एक भी जान जा रही है तो बहुत डेंजरस है। ट्रैक्स नए आ नहीं रहे हैं, ट्रेन्स नई पे नहीं आई जा रही हैं, ट्रैक्स का विस्तार करना चाहिए, सबसे ज़रूरी है ट्रैक्स का विस्तार। ट्रैक्स जितने ज़्यादा बिछाएंगे उतना कम ट्रैफिक होगा, लेकिन ट्रेन है, मतलब वही है कि रोड वही है और बहुत सारी गाड़ियाँ उसमें, तो जाम तो होगा ही होगा, इसीलिए ट्रेन लेट्स हो जाती है। हमने कई बार बताया था, लेक्चर भी लिया था, क्या हमारी रेलवे बीमार है। कल कंचनजंगा एक्सप्रेस पे जो रिपोर्ट आई वो बहुत चौंकाने वाली, कल मैंने लेक्चर किया, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको। इट इज़ वेरी ट्रोमैटिक और इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस ऑल्सो, कि वॉकी टॉकी नहीं, बताइए वॉकी टॉकी नहीं है यहाँ पे। जो लेटर है स्टेशन मास्टर ने समझाया नहीं, गलत लेटर दे दिया, साइन नहीं लिए। भाई, अगर मान लीजिए सिग्नल फेल होता है, सिग्नल फेल हुआ किसी ने सुध नहीं ली, सिग्नल इतनी बड़ी सिग्नल फेल हो गया किसी ने सुध नहीं ली, समझ रहे? सब बैठे हुए हैं अपने आराम से, तुरंत सिग्नल फेल होता तुरंत जाना चाहिए, अरे कोई बात नहीं हो जाएगा सब, लोगों की जान गई। पिछले साल आपको याद है जून में बालासोर एक्सीडेंट हुआ था, 291 लोग मरे थे उसमें, 3 ट्रेनें आपस में भिड़ गई। डीरेलमेंट तो होता ही रहता है पैसेंजर ट्रेन का नहीं, लेकिन हाँ जो मालगाड़ियाँ पटरी से दौड़ती रहती हैं, तो इन सबको एड्रेस करने की ज़रूरत है। अब ये जो हुआ है दोस्तों, इसमें 4 लोगों की जाने गई हैं, ठीक है ना, और 31 के करीब लोग जो हैं वो घायल हैं। गोंडा के आगे ये एक्सीडेंट हुआ है, ये ट्रेन चंडीगढ़ से चलती है और ये लगभग 1:30 बजे के करीब गोंडा पहुँचे, और उसके आगे जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इस तरीके से, ये 11:35 पे, रात में 11:35 पे चंडीगढ़ से डिपार्ट होती है। उसके बाद ये लगभग 2 बजे के करीब गोंडा स्टेशन आई 1:58 पे, फिर उसके बाद ट्रेन जो है लगभग 2:37 यानी कि लगभग आधे घंटे बाद, 40 मिनट बाद ट्रेन जो है मोतीगंज और जिलाही स्टेशन, रेलवे स्टेशन के बीच में डीरेल हो गई, ठीक है ना, गोंडा स्टेशन से थोड़ी ही दूर पे। और यहाँ पे अगले दिन सुबह 5:20 पे, यानी कि 11:35 पे चलती है और अगले के अगले दिन 5:20 पे ये डिब्रूगढ़ पहुँचती है, पूरा सिलीगुड़ी कॉरिडोर को पार करते हुए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेन है जो नॉर्थ को पूरा यूपी बिहार से होते हुए ये यहाँ पे जाती है, तो इतनी इंपॉर्टेंट ट्रेन है कि ये नॉर्थ को कनेक्ट करती है नॉर्थ ईस्ट से, राइट। हेल्पलाइन नंबर ये दिए गए हैं, तो जिनको भी, जिनके भी इस ट्रेन में, सगे संबंधित इस ट्रेन में थे, वो इन हेल्पलाइन नंबर से पता लगा सकते हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो बता रहा है कि मैं बस बच गया किसी तरीके से, मैं बच गया किसी तरीके से, ट्रेन पटरी से उतरी लेकिन मैं बच गया। तो ये तो है कि भाई देखिए, 4 लोगों की जान गई जो कि बहुत दुखद है, लेकिन ये कैजुअलिटी और बड़ी हो सकती थी। अच्छी बात ये है कि LHB कोचेस लगे थे और LHB कोचेस एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ते हैं, और यही यहाँ पे भी हमको देखने को मिला, ये कुछ इस तरीके का, यह शीशे तोड़ के जो है वो पैसेंजर्स को बाहर निकाला गया। तो LHB कोचेस जो ना एक के ऊपर नहीं चढ़ते हैं, तो ये एक अच्छी बात है, और ICF कोचेस को रिप्लेस करें सरकार जो है, मेरे ख्याल में सरकार छोड़ दे बुलेट ट्रेन, पहले सबसे पहले जो एग्जिस्टिंग ट्रेन्स हैं उन पे काम करना चाहिए, ठीक है, वो बाद में आ जाएगा, कोई बात नहीं। वंदे भारत है, वंदे भारत सही है, वंदे भारत या जो और ट्रेन सारी वो ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल मोस्ट प्रायोरिटी के लिए कवच सिस्टम है। देखिए, सेफ्टी
अटमोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि रेलवे में एक ट्रेन में 1000 से ऊपर यात्री सफर करते हैं, ठीक है ना, और उसकी सुरक्षा जो है वो लोको पायलट, स्टेशन मास्टर, सिग्नल्स, इन सब पे डिपेंड करती है। और कवर सिस्टम आगे तो बहुत बढ़िया है, जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। कल से दोस्तों क्लास शुरू होगी, तो कल से हम बैच बंद कर देंगे फटाक से। जो हमारा आंसर राइटिंग का कोर्स है 600 रुपए का है, उसको आप जरूर अवेल करें। साथ ही साथ जो यूपीएससी लक्ष्य बैच है हमारा 10,000 का एक साल, उसको भी आप जरूर अवेल करें। तुरंत आपको आंसर कैसे लिखना है, कंसेप्ट बताए जाएंगे, आंसर की चेकिंग की जाएगी, तो फटाक से आ जाए। तो 3 लोग जो हैं वो यहाँ पे मारे गए हैं और 30 से ज़्यादा लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। 8 बोगी जो हैं चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस की डीरेल हो गई है, यानी कि पटरी से उतर गई। सबसे ज़्यादा डीरेलमेंट होता है, सबसे ज़्यादा, आप समझ रहे हो, सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट का कारण होता है डीरेलमेंट, पटरी से उतरना ट्रेन का। ओके, तो अब चंडीगढ़ स्टेशन से भाई ये सब तो चलिए मैं आपको बता ही चुका हूँ, दोबारा इस पर रिपीट नहीं करूँगा। अच्छा, कवर सिस्टम कैसे काम करता है? कवर सिस्टम में कुछ नहीं है, ट्रेन में RFID होता है, RFID रीडर इंजन में लगा होता है, ट्रैक्स पे RFID होता है, रेडियो वेव्स जो है वो फेंकता रहता है, वेव्स फेंकेगा, कोई सॉलिड से टकरा के आएगी, जैसे मान लीजिए कि वो, और स्टेशन में लगा होता है GPS सैटेलाइट से कनेक्टेड। तो क्या होता है कि जैसे ट्रेन एक ट्रैक पे है, RFID है, पता चल गया, ठीक है, कि ट्रेन इस ट्रैक पे है। अगर मान लीजिए कि ड्राइवर ने सिग्नल को तोड़ दिया, तो RFID ये कंट्रोल में ले लेता है और इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई कर देता है, ठीक है ना। तो ये क्योंकि ट्रैक से ही पता चल जाता है, स्टेशन जो है वो तुरंत सैटेलाइट से बता देता है कि हाँ भाई कुछ गड़बड़ है, दो ट्रैक्स पे जो है वो दो ट्रेन हैं। तो इस तरीके से काम करता है कि अगर ट्रैक पे दो ट्रेन है वो अपने आप रुक जाएंगी, या फिर ड्राइवर को पता चल जाएगा कि भैया आप रोक दीजिए, तो एक तरीके से फिर एक्सीडेंट जो है वो बहुत ही कम हो जाता है, मतलब वो नेग्लिजिबल है। अब डीरेलमेंट में आपका कोई कवर सिस्टम काम नहीं करेगा, ये तब है जब दोनों ट्रेन आपस में भिड़े ना, लेकिन पटरी से उतरने पर कोई भी डीरेलमेंट काम नहीं करेगा। पटरी से क्यों उतरती है ट्रेनें? भाई देखिए, मान लीजिए कि कुछ स्ट्रेचेस होते हैं जहाँ पे आपको जो स्पीड है वो धीमे करनी होती है, ठीक है, अगर आपने स्पीड तेज चला दी तो वो पटरी से उतर जाएगी, ठीक है ना। बेसिकली यहाँ पे जो स्पीड लिमिट है उस पर ध्यान देना होता है। ओके, और अब इसका कोई निश्चित कारण नहीं है कि भाई वही है कि गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी का कंट्रोल बहुत सही से नहीं है, तो गाड़ी जो है वो रोड के इधर साइड भागने लगेगी। तो ऐसे ही ट्रेन का भी होता है कि अगर मान लीजिए कि तय स्पीड लिमिट से बहुत ही ज़्यादा तेज भाग रहे हैं, ठीक है ना, कई ट्रैक्स का काम चल रहा है, या शायद ट्रैक्स अभी उतने वो कैपेबल नहीं कि उतनी स्पीड को, तो इसलिए जो है वो ट्रेन पटरी से उतर जाती है। और बाकी हादसे भी होते हैं, अब सब कुछ सही चल रहा है तब भी ट्रेन पटरी से उतर गई, तो क्या कर सकते हैं, ये अलाइनमेंट के कारण। तो वही है, तो लोको पायलट सभी सेफ है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वही बता रहा है कि एक बहुत लोको पायलट बता रहा है कि बहुत तेज़ धमाका सा हुआ डीरेलमेंट के बाद। और जो 21 कोचेस की ट्रेन है, इसमें 5 कोचेस AC कंपार्टमेंट के, कुछ किलोमीटर दूर जाके वो डीरेल हुए, कुछ खेत में चले गए, ठीक है ना। तो ये हिसाब किताब हमको देखने को मिला, और जो पैसेंजर्स हैं वही उनको बाहर निकाला गया। तो जो हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, अश्विनी वैष्णव है, ये सब जो है सिचुएशन पे नज़र बनाए हुए हैं। लेकिन वही बात है कि जल्दी से जल्दी भैया ट्रेन की सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। 3 प्रॉब्लम है मेनली, ठीक है, एक तो कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता है, है ना। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है, कवच सिस्टम, इसको जल्द से जल्द जो है वो आप डिप्लॉय करें, ट्रैक्स को लगाएं और रिक्रूटमेंट करें। भैया रिक्रूटमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा रेलवे में भर्तियां निकालें, हर कोई खुश होगा, ज़्यादा स्टाफ आएगा तो काम जो है वो कम होगा। इसमें क्या होता है ना कि अब जैसे मान लीजिए कि कोई लोको पायलट है, 809 घंटे उसको काम करना है, अब वो इंसान है, आप उससे 17 से 18 घंटे काम ले रहे हो तो गलती ही करेगा, इतना आसान नहीं है। और जैसा तो वो भी तब जब जो इंजन है, मैंने बताया ना, हर इंजन में AC नहीं लगा है, गुड्स ट्रेन में AC नहीं लगा है, तो इसीलिए जो ट्रेन चला रहा है उसको सुविधाएं दीजिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप रिक्रूटमेंट निकालिए, नौकरियां निकालिए, है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टाफ आए और रेलवे का काम एफिशिएंट हो, क्योंकि भाई रेलवे लाइफ लाइन है, हम सब रेलवे से सफ़र करते हैं और रेलवे आपकी ही संपत्ति, हम सबकी संपत्ति है। ओके, तो ये चीज़ है, बाकी जो भी होगा, कोई और अपडेट आएगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ कंचनजंगा एक्सप्रेस वाला। थैंक यू सो मच।